ज्योतिष धनोपार्जन करने की विद्या नहीं है, ज्योतिष मैजिक दिखाने की विद्या नहीं है, ज्योतिष जादू नहीं है, ज्योतिष तो एक साधना है, ज्योतिष वेदों का नेत्र है, ज्योतिष के माध्यम से बड़े बड़े काल गणनाएं की जाती हैं, ज्योतिष के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जाता है, ज्योतिष के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जाता है। ज्योतिष का जानकार अगर धर्मशास्त्र ग्रंथों को नहीं जानता है तो वह ज्योतिष के साथ केवल खिलवाड़ कर रहा है, और आज ऐसे ही लोगों की वजह से ज्योतिष बदनाम हो गया। यह पूरा ब्रह्मांड पांच तत्वों से निर्मित है और वह पांच तत्व ही इस ब्रह्मांड के कारक हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, मनुष्य की कुंडली में बैठे हुए ग्रह वह पांच तत्वों के कारक ही हैं। सूर्य मंगल अग्नि तत्व है, शनि राहु केतु वायु तत्व हैं, बुध पृथ्वी तत्व है, गुरु आकाश तत्व है, चंद्र और शुक्र जल तत्व हैं। ये पांच तत्वों के प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह हैं। इन ग्रहों के माध्यम से ही मनुष्य के जीवन में झांका जा सकता है कि उसके जीवन में कौन सा ग्रह किस भाव पर और किस युति में और किस तरीके से बैठा हुआ है, उसका उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। ज्योतिष का जानकार उन्हीं ग्रहों के माध्यम को देख करके उन ग्रहों के अनुकूल उपाय बताता है, पूजा बताता है और आदमी को लाभ मिलता है। ज्योतिष जीविकोपार्जन या धनोपार्जन के लिए नहीं है। ज्योतिष का जानकार व्यक्ति ईश्वर के सत्ता में मस्त रहता है, ईश्वर की भक्ति में मस्त रहता है और ईश्वर उसकी कही हुई बातों को उसकी लज्जा समझ करके रक्षा करता है। अगर किसी के जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई है तो वह किसी एक अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाए, अगर ज्योतिषाचार्य उसे सही सलाह देता है तो उसको जरूर लाभ मिलेगा। लेकिन ज्योतिषाचार्य ही अगर गलत है तो न तो उसके पास जो परेशानी से ग्रसित व्यक्ति गया उसको ही लाभ मिलेगा और न ज्योतिषाचार्य उसको सही बात बता पाएगा। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के उपाय तो करने ही चाहिए, लेकिन अगर आप ईश्वर के उपासक हैं, ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर पे आस्था रखने वाले हैं तो आपके इन ग्रहों के उपाय स्वतः ही होते रहते हैं। आप माता भगवती की शरण में रहें, माता भगवती की पूजा करें, आप किसी भी देवता की पूजा करें, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी जितने स्वरूप विचरण कर रहे हैं वो सब एक ही हैं, उनमें अलग अलग कुछ भी नहीं है। आप अपनी आस्था और विश्वास के अनुकूल जिस भी देवता के प्रति आपकी आस्था हो उस पर पूर्ण विश्वास के साथ निष्काम भाव से उनकी शरण में रहें, आपके सारे ग्रहों के उपाय भी हो जाएंगे और आपको ईश्वर की अनुकूलता भी मिलेगी। माता भगवती स्वयं कहती हैं, अहम प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम, मैं ही प्रकृति पुरुषार्थ और पुरुष हूँ, इस संसार पूरा शून्य है। अहम आनंदानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम पंचभूतानि अहम ब्रह्मा ब्रह्माणी अहम अखिलम जगत, मैं यह पूरा अखिल ब्रह्मांड हूँ। आप किस ग्रह की और कौन सा उपाय करेंगे, सब कुछ माता भगवती है। सहसाष्टो वसवा सहसा एकादशा रुद्रा सहसा द्वादशा दित्या सहसा विश्वदेवा सोमपा असोमपा सहसा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा सहसा सत्व रजस्तमांसि सहसा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी सहसा प्रजापतीन्द्र मनवा सहसा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषि कला काष्ठादि रूपिणी, सब कुछ तो है माँ भगवती। आप भगवती की शरण में रहें, आपके जीवन के सारे कष्टों का निवारण स्वतः ही होता रहेगा। माता बहुत बड़ी है, माता बहुत दयालु है। आप अगर कातर भाव से पुत्रवत उसकी शरण में हैं तो माँ कभी आपके कष्टों को देख ही नहीं सकती, वह निवारण करती रहेगी। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ कष्ट हैं और आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम निःशुल्क आपकी कुंडली का विश्लेषण करके ग्रहों के अनुकूल उचित उपाय भी बताएंगे और साधना पूजा आध्यात्मिक और ज्योतिषी जानकारी आपको निःशुल्क प्रदान करेंगे। जय माता रानी, जय माता रानी।